खुशी इस बात की है कि ये आंदोलन खत्म हुआ, किसानों की मांगे मान ली गई। दुख इस बात का है कि हमारा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि एक साल से अगर ये आंदोलन न होता तो शायद हम भूखे मर जाते। मैं तो कल एक बाबा जी थे, मिले वो मेरे से तो आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि व्यवहार था उनसे, मेरे को बेटे की तरह मानते थे। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहोगे, इतना लेट कर दिया, कितने किसान आपके सामने शहीद हो गए? तो वो कहते थे यहाँ पे तो आतंकवादी बैठे हैं, ये आतंकवादी लगते थे आपको? नहीं नहीं नहीं, आतंकवादी नहीं, इतना व्यवहार जो था, आतंकवादी के दिल में इतनी दया भावना, नहीं नहीं ये तो गलत बात है। अब पता चला कि पंजाब नंबर वन स्टेट क्यों है, ये आप पता हमें एक साल में पता चल गया। देखो सिंघू बॉर्डर पे खड़े हैं, हर पैर पैर देते थे एक तंबू हुंदा सी, पर इन्नी जगह खाली है, तंबू लोग चक के लै चुके ने, हौली हौली सारे नाल लै जाएंगे। एक टीम साड़ी नाल नाल भी ट्रैवल कर रही है और साड़ी कोशिश है कि तुहानू इत्थों दे हालात भी दिखाते रहिए। ये वीर ने जिहड़े चप्पलां जुराबा कोट पेंट सारा कुछ ये वेचते सी इत्थे, किसानां करके इन्हां नू काफ़ी फायदा भी हुंदा सी जां नहीं हुंदा सी, इन्हां नू पुछ लैंदे आ। अच्छा भाई, किसान भी दोस्त आपके चले गए, आपको बुरा लग रहा है उनका जाना? हमें मतलब खुशी इस बात की है कि ये आंदोलन खत्म हुआ, किसानों की मांगे मान ली गई। दुख इस बात का है कि हमारा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि एक साल से अगर ये आंदोलन न होता तो शायद हम भूखे मर जाते, क्योंकि कोरोना के चक्कर में ना दिल्ली में रेहड़ी पटरी, सब हर जगह हर चीज़ बंद हो चुकी थी। और दूसरा चीज़ क्या कि यहाँ आसपास जो 90% जो वर्कर हैं, मजदूर आदमी, फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, अगर ये आंदोलन न होता वो 3 टाइम खाना खाते थे, उसमें हम भी शामिल हैं। तो दुख इस बात का है, खुशी इस बात की है कि ये आंदोलन सब अपने मतलब घर गए तो अपने परिवार, टाइम लंगर पानी सर ये सब किसान देते थे? किसान देते थे बिल्कुल, तो कोई मना नहीं था, कोई भी आके खा सकता है। अच्छा, अब किसान आपके दोस्त भाई बन चुके थे? बिल्कुल बन चुके थे, इतना अच्छा व्यवहार था, हमें उपहार भी गिफ्ट भी देके गए। वो क्या गिफ्ट देके? गिफ्ट देके गए, जैसे शर्ट देके गए, कह रहे ये रख लो भाई, और आइटम देके गए कि यादगार रहेगी। तो आप इनको याद रखेंगे, किसानों को याद रखें? कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हम, कभी ज़िंदगी। हमें पता चला कि खासकर पंजाब का किसान क्या है, अब ये इस आंदोलन से पता चला है, बहुत अच्छे मतलब रहम दिल, और दिल में उनके दया भावना सब कुछ था। गर्मी के अंदर हम बैठते तो अपने तंबू में बिठा लेते थे कि अंदर आ जाओ और कूलर में बैठ जाओ, अभी ग्राहक नहीं चल रहा है, गर्मी का टाइम, तो मतलब मैं हम भूल नहीं सकते कभी ज़िंदगी। अच्छा, आपको अंदर बैठा लेते थे। अच्छा, आपके वो इन किसानों के ख़िलाफ़ नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहोगे, इतना लेट कर दिया, कितने किसान आपके सामने शहीद हो गए? तो वो कहते थे यहाँ पे तो आतंकवादी बैठे हैं, ये आतंकवादी लगते थे आपको? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, ये तो गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, आतंकवादी नहीं, इतना व्यवहार जो था, आतंकवादी के दिल में इतनी दया भावना, नहीं नहीं ये तो गलत बात है, इससे हम कोई सहमत नहीं है, जितने भी बंदे हैं कोई सहमत नहीं है, गलत। आपने सरदारों के बारे में सुना था, इनके दिल दरिया होते हैं, वो देख लिया? बिल्कुल देख लिया। अब पता चला कि पंजाब नंबर वन स्टेट क्यों है, ये आप पता हमें एक साल में पता चल गया। ये आप लोगों के दिल भी बहुत बड़े हैं, अगर क्योंकि प्यार उन्हीं को मिलता है जो प्यार लेने के काबिल होते हैं, लेकिन आप लोगों के दिल बड़े हैं और आपकी मेहनत है, जो चाहे आंदोलन चले भी गया लेकिन आपने जो दोस्ती प्यारी बना के रखी, परमात्मा ने देखी आपका ये कारोबार माशाल्लाह बहुत चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसी की उम्मीद पे हैं, वाहेगुरु देने वाला है। अब ये रास्ता बंद हो गया तो हमारा पंजाब फिर चालू, पंजाब के मेले भी करते हैं ना, तो पूरी लाइन चालू करते हैं, तो हम तो पंजाब भी पहुंच जाएंगे, पंजाब में अच्छा रोजी रोजगार है। अब तो पंजाबियों को देख लो, अब तो पंजाब जाने का बहुत दिल करता होगा। बिल्कुल करता है जी, मैं तो कल एक बाबा जी थे, मिले वो मेरे से तो आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि व्यवहार था उनसे, मेरे को बेटे की तरह मानते थे। तो मतलब ये था कि कहने का मतलब कि दुख तो है कि ये चले गए, खुशी इस बात की कि इनका आंदोलन ख़त्म हो गया, चलो अपने परिवार से मिलेंगे तो इस बात की खुशी है, लेकिन दुख तो रहेगा। क्या बात कही, देखो इन्होंने खुशी इस गल दी है कि वो आपके परिवार में मिलेंगे, किस गल का भी ये ऐस परिवार में तो छड़ के चले गए, चलो रब करेगा दोबारा मिलोगे, पर ऐसे हालातों के नहीं, दोबारा जरूर तुम मिलोगे। पंजाब आयो तो मेलों से स्वागत किया जाएगा जिम्मे साडा किया। असं सिंघू बॉर्डर पर हैं, एक कुछ लोग ने जोड़े मजदूरी करते हैं और इन्हों आप कहें सानू जो गर्मी होंगी सी अंदर कूलर च बिठा लेंगे सी, किसान इन्नी खुशी के इतने रहे हैं। कैमरामैन दीपक के नाल मैं गुरपाल सिंह बराड़, सिंघू बॉर्डर, और इतों सब कुछ खाली हों जा रहा है और रोड दोबारा चालू हो जाएगी, पर इस रोड के उत्ते रचा हुआ इतिहास कदे नहीं भुलिया जा सकेगा।